lane fast. दोस्तों तो मैं आ चुका हूँ दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर, जो कि हमारे सामने दिख रहा है वो सिग्नेचर ब्रिज है। तो इसके लाइट की व्यूज काफ़ी अच्छी आती हैं, ये जो कि आप देख ही रहे होंगे, कॉम्बिनेशन रेड येलो ग्रीन और भी काफ़ी कलर का ये कॉम्बिनेशन है। हम चल पड़े हैं रात में, यहाँ रात का आने का मज़ा ही कुछ अलग है। दोस्तों तो आज हम आ चुके हैं दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर, जो कि हमारे चेस्ट पीछे दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज है, और हम आज से यहाँ पर घूमने आए हैं। और खैर यहाँ रात का व्यू कुछ अलग है, वैसे तो मेरा दिन में विचार था, लेकिन एक मेरे फ्रेंड ने बोला कि यहाँ पर रात में जा तो काफ़ी अच्छा व्यू आएगा, तो इसी चक्कर में मैं नाइट में आया हूँ। तो ये हमारा दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज, जो कि हम नाइट में आज यहाँ आए हैं, यमुना जी पर स्थापित है। और ये इधर की साइड में यमुना जी हैं, जो यमुना नदी, दिल्ली की यमुना नदी, और इधर साइड भी यमुना की नदी है। और रात का व्यूज काफ़ी अच्छा है, इसीलिए मैं नाइट में आया हूँ, अन्यथा मैं डे में आना चाह रहा था, पर मेरे फ्रेंड ने बोला कि यहाँ दिन में ना जा कर के रात में आ तो काफ़ी अच्छा व्यूज आएगा, तो इसी चक्कर में मैं नाइट में आया हूँ यहाँ पर। तो मैंने कुछ बाइक की फ़ोटो की सैंपल गेरी है, फ़ोटो खींचे हैं, जो कि नाइट में फ़ोटो का मज़ा कुछ अलग आ रहा है। वो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको फ़ोटो कैसी लगी कैसी नहीं, और यहाँ नाइट में फ़ोटो खींचने का मज़ा ही कुछ अलग है, काफ़ी अच्छा। मेरी बाइक के फ़ोटो काफ़ी बेहतरीन आए और काफ़ी मस्त लग रहे हैं, मुझे खुद मस्त लग रहे हैं मेरी बाइक के फ़ोटो। आप देख कर कॉमेंट करके बताना मुझे कि कैसी लग रही है मेरी बाइक फ़ोटो। इस समय हम जस्ट सिग्नेचर ब्रिज के नीचे हैं, जो कि ये नीचे से ऐसे देखने में इस तरीके से लगता है, और इधर की साइड से भी और इधर की साइड से हम इधर नीचे खड़े, तो ये प्लेयर हैं इसके, और बाकी नीचे तो कोई प्लेयर्स ही नहीं है इसके। ये घूमने की काफ़ी अच्छी जगह है, और यहाँ पर काफ़ी जने आते हैं, आप जैसे कि देख रहे हो ये भी आए हुए हैं, और भी वीडियो में काफ़ी जने देख में और सेल्फी लेते हैं, ये एक तरीके से सेल्फी, जो कि यहाँ पर लोग सेल्फी लेते हैं, इधर अधिकतर सेल्फी लेने के लिए खड़े होते हैं, ज़्यादातर जो कोई भी गाड़ी आती है इधर से अधिकतर सेल्फी लेती हुई बगैर सेल्फी के नहीं जाते जो भी पर्यटक होते, और बाकी तो वैसी है, बस अभी ख़त्म हो चुका है।